हार्ड हिटिंग डिटॉक्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मेक या ब्रेक। जानिए क्या है इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक का एजेंडा। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के एजेंडे में गठबंधन का एक झंडा तय करना भी शामिल है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगी। बैठक में अशोक चक्र को हटाकर तिरंगे को भी इंडिया गठबंधन का झंडा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि आखिरी फैसला बैठक में ही होगा। दोस्तों, मुंबई की बैठक के बाद सितंबर से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें 6 से 7 प्रमुख नेता विपक्ष के CM शामिल होंगे। रैलियों और प्रचार के दौरान गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, बल्कि सरकार BJP की नीतियों, जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य सामाजिक मसलों पर घेरेंगे। प्रस्ताव के अनुसार गठबंधन का एक चेयरमैन होगा, इसमें एक चीफ कोऑर्डिनेटर होगा। इसके अलावा 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। दोस्तों, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छोड़कर गठबंधन ने देश भर में 450 सीटों की पहचान की है, जहां गठबंधन सिर्फ एक उम्मीदवार चुनाव में उतारेगा। उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कोई भी बड़ी पार्टी अभी तक गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की ओर से मायावती से भी संपर्क किया गया। हालांकि मायावती की ओर से 80 में से 40 सीटों की मांग की गई है। इस पर मुंबई बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे दलों को शामिल करने पर भी चर्चा हो सकती है। दोस्तों, मुंबई में इंडिया की बैठक होने वाली है और बैठक में पहले बांद्रा और माहिम इलाके में महाविकास की तरफ से एक बड़ा बैनर लगाया गया है, जिस पर लिखा है जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। 31 और 1 तारीख को होने वाली इंडिया की इस बैठक में देश भर से भाजपा विरोधी नेता आने वाले हैं। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक का इस तरह का बैनर मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी लगाया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।